नवीन महवा मंडी में आलू प्याज के दामों में उछाल आया है, जिसके संबंध में नवीन महवा मंडी के आलू और प्याज के आढ़तियों ने बताया कि मंडी में लाल आलू 2400 तथा सफेद आलू 1500 रुपए प्रति कुंतल तक बिक रहा है। प्याज 3500 रुपए कुंतल के पार पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों बारिश होने से फसल खराब हो गई थी तथा इस साल बारिश बहुत ज्यादा हुई है, जिससे फसलों का पैदावार घटा है। बारिश से ज्यादातर फसलें बर्बाद हो गई हैं और प्याज की पैदावार बहुत कम हो पाया है। उन्होंने बताया कि अभी आगे दाम और बढ़ने के आसार हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवीन महवा मंडी के आलू तथा प्याज के आढ़तियों ने कहा, फैजान अख्तर। आलू प्याज का रेट क्या है? आलू यही बिक रहा है 24 रुपए लाल एंटी, और सफेद बिक रहा है 15 रुपए। प्याज यही मान के चलिए 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक बिक रही है प्याज। क्या कारण है कि दाम ज्यादा? कारण यही है कि पानी जो गिर गया है अभी 2-3 दिन पहले, ये पानी फसल जो हुई थी वो चली गई है, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, जिस कारण जो है किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। और दोबारा गड़ाई होगी, अब वो दोबारा जो आलू जाएगा, अब वो जो जितना आलू है वो तो ख़त्म हो चुका है। ये है सिस्टम। क्या लग रहा है दाम अभी और बढ़ेंगे? दाम अभी और बढ़ेंगे इसमें। फिरोज आलम। मंडी में आलू के दाम और प्याज के दाम क्या है? मंडी में आलू सफ़ेद के दाम जो है 15 रुपए है इस टाइम, और लाल के 23 से 24 रुपए बिक रहा है एलटी। प्याज भाई 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक बिक रहा है। क्या कारण के दाम क्या? कारण यही है कि बारिश ज़्यादा होने से जो है फसल बिल्लो और कन्नौज साइड जो है ज़्यादा ख़राब हो गया है, इस वजह से जो है आलू दोबारा गाड़ा जा रहा है। ताकि नासिक की बात की जाती है, प्याज अधिकतर वहीं का नासिक में भी अब प्याज जो है अभी खराब बारिश के कारण जो है दाम रेट बढ़ गए हैं, अब जो है डाउन हो गई है प्याज, न तो अभी 45 रुपए तक बिक चुकी है प्याज। शम्स तबरेज़ रहेंगे। आलू प्याज का रेट चल रहा है इस समय, पहले तो चल रहा था आलू का रेट कुछ कम थे, इस समय आज से रेट कुछ बढ़ गए हैं आलू के। आलू बिके हुए 20 रुपये, 19 रुपये के गोल आलू, 19 से लगा के 20 रुपये 21 रुपये तक गोल आलू लाल वाला। एलटी आलू बिका हुआ 21 रुपये से लगा के 24 रुपये किलो तक का। प्याज बिका हुआ 30 रुपये से लगा के आपकी 40 रुपये की रेंज तक की प्याज बिकी है। क्या कारण के प्याज के दाम? प्याज पहले से कुछ घट गई है प्याज के रेट, पहले कुछ 45 से 48 रुपए किलो तक की बिकी थी प्याज, मगर अब इस समय कम से कम 10 रुपए किलो की गिरावट आ गई है प्याज में। देखा जाए तो 20-22 रुपए अभी पीछे कुछ दिन पहले ही बिक रहा था प्याज, लगातार 3500। बारिश कारण है मेन, बारिश की वजह से जो बारिश हुई है नासिक, अरे साउथ में जो बाढ़ वगैरह आ गई है बारिश की, वहाँ से खपत ज़्यादा हो गई है प्याज की, वहाँ की नई प्याज की फसल ख़राब हो गई है। नई प्याज की फसल ख़राब होने के बाद डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने की वजह से थोड़ा सा टाइट हो गई पोजीशन, फिर भी अपने लेवल पे आ गई है प्याज, आकर लमसम आ गया है 35 रुपए के रेंज में प्याज आ गई है। आलू भैया देखिए 1800 से लगा के 2000 रुपया 2200 रुपया कुंटल तक आलू बिक रहा है, सफ़ेद आलू बिक रहा है 1200 से लगा के 1300 रुपये तक का, लाल आलू बिक रहा है 1800 से लगा के 2000 से लगा के 2200 रुपये तक, प्याज बिक रही है 25 रुपये से लगा के 32 रुपये 33 रुपये तक का। क्या कारण है? देखा जाए रेट बढ़े हैं प्याज के, ये अभी कहाँ रेट बढ़ा है, ये कोई रेट नहीं है भैया, 50-60 रुपये किलो बढ़ेगा तब माना जाएगा कि हाँ रेट बढ़ा है। 2-3 महीने पहले ही 22 रुपये किलो प्याज था, अभी 35 रुपये बिक रहा है। भाई 35 फुटकर में बिक रहा होगा पहले ना, थोक थोक में ही सही तो बिक रहा जी। नहीं तो बाजार इस समय घटी है ना, थोड़ा मार्केट उधर घटा है तो इसलिए घटी है। इस समय 25 रुपये से लगा के 32 रुपये तक का बहुत सुपर प्याज बिक रहा है, नंबर एक प्याज। अभी और दाम बढ़ेगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि बढ़ेगा कि घटेगा।